हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं कोचिंग एकेडमी पर। आज हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। दो आपको नंबर दे रखे हैं, इनका आपको HCF निकालना है। किसका यूज करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज करके। तो यूक्लिड क्या कहता है? यूक्लिड ने क्या कहा था कि आपको जब दो डिजिट का HCF निकालना हो तो इसमें आप लोग सबसे पहले छोटी डिजिट को आप बाहर रखोगे और बड़ी डिजिट को अंदर रखोगे, इसको डिवाइड करोगे सिंपली, ठीक है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 135 5 माइनस 5 0, 12 माइनस ये वन कैरी आ जाएगा, तो 12 माइनस 3 क्या आता है 9, उसके बाद 1 माइनस 0। अब क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर बचता है इसको आप डिवाइज़र बना लोगे। यहाँ से रिमाइंडर को हम क्या बना लेंगे? डिवाइज़र। और जो डिवाइज़र था इसका, उसको हम डिविडेंट बना लेंगे, क्योंकि यूक्लिड क्या कहता है, ये अंदर वाला, ये आज बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि अंदर वाला क्या होता है, डिविडेंट होता है, डिविडेंट, ठीक है। ये वाले जो होता है ये डिवाइज़र होता है, ठीक है। और ये हमारा कोशेंट होता है, और जो नीचे आता है वो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यूक्लिड क्या कहता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे डिवाइज़र बना लेंगे, और जो डिवाइज़र था उसको हम डिविडेंट बना लेंगे। तो 90 को इससे डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, तो कितना बचा 45। अब जो ये रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन गया, और जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंट बन गया। 45 बन जा सॉरी 2 जा 90, यहाँ पे हमारा ख़त्म। अब हमें जब तक इसको डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना बचे, और जब भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो बच जाता है उस टाइम पे हमें देखना है हमारा डिवाइज़र क्या था। जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो जो 135 और 225 का जो HCF है वो आपका क्या होगा, 45। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, और पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि हम ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में दो डिजिट आपको दे रखी हैं, 867 एंड 22255, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इनमें से दोनों में सबसे पहला स्टेप है हमें छोटे डिजिट को हमें क्या बनाना है, डिवाइज़र बनाना है। 255 डिवाइज़र का मतलब इसे बाहर रखना है, और इसको हम डिविडेंट बना के चलेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 255 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा ये, 3 पे, 35 जा 15 16, 132 जा 6 और 17, ये आ गया, ठीक है। 7 माइनस 5 2 0 1 102। अब जो रिमाइंडर होता है उसको हम डिवाइज़र बनाते हैं, और जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंट बनाते हैं। 102 को अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पे जा रहा है ये, 2 पे, 204 आएगा। 102 इंटू 2 क्या होता है, 204, 5 माइनस 4 1, ये बचा 5। अब इसको क्या बना लेंगे, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना लेंगे, और इसको डिविडेंट बना लेंगे। तो 51 2 जा क्या होते हैं हमारे, 102, यहाँ से हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। तो जो इस टाइम पे डिवाइज़र था वही हमारा क्या होगा, HCF, जो इसका HCF होगा वो आपका 51 होगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसमें आपका एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस 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 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। आपको शो क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होता है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको किस फॉर्म का प्रूव करना है, 6q+1, 6q+3,
या फिर 6 क्यूब प्लस 5, इस तरह का होता है कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको पता ही है ओड जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और सो ऑन, ठीक है ना। इन नंबरों को आपको क्या पूछा गया है कि ये जो नंबर होते हैं ना ओड पॉजिटिव वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं, ये आपको प्रूव करना। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड का ही सहारा लेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का ही सहारा लेंगे। यूक्लिड जो कहता है वो क्या कहता है, ये अंदर इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये आपका क्यू कोसेंट है और यहाँ पे क्या होता है रिमाइंडर। वो जो यूक्लिड वो क्या कहता है कि जो आपका ये अंदर वाला डिविडेंट है, डिविडेंट मतलब बी, बी किसके इक्वल होता है, ये दोनों की मल्टीप्लाई मतलब डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई कर दो और ऐड क्या कर दो उसमें रिमाइंडर कर दो, तो हमारा क्या आता है आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो जो अंदर है 7 7 7 हमारा क्या है डिविडेंट है, डिविडेंट किसके इक्वल होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब जो हमारा डिवाइजर है इनटू कोशेंट और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 3 2 6 6 प्लस 1 7 आ गया ना, यही बात ने कही थी और इसी का यूज यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे जिससे कि हमें इसको डिवाइड करना, ठीक है ना। तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और जो बी होगा, बी वही होगा आपका जो यहाँ पे कोशेंट के मल्टीप्लाई, कोशेंट के मल्टीपल में है, वही आपको बी लेट करना है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में आगे ही पता चल जाएगा क्यों हमने इसको बी लेट किया था। और एक बात और, जो आपका बी होता है मतलब बी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमेशा आपके रिमाइंडर से बड़ा होगा, मतलब आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपके डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब जो आपके रिमाइंडर की वैल्यू होगी, सो जो आर होगा आपका रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू 6 से छोटी मिलेगी, 0 मिलेगी या 1 मिलेगी या 2 मिलेगी या 3 मिलेगी या 4 मिलेगी या 5 मिलेगी, इससे ज़्यादा आपका रिमाइंडर कभी नहीं होता। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता भाई। जैसे कि हम देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 6 से नहीं करते हम, जैसे कि हम और छोटी और वैल्यू, जैसे हम ऐड कर लेते हैं 5 6 7 7 से 7 1 7, तो हमारा डिवाइजर कितना बचा 6 बचा। क्या यहाँ पे 7 डिवाइजर सॉरी जो रिमाइंडर है हमारा 6 बचा, क्या हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 7 बच सकता था, बिल्कुल भी नहीं। 7 बचता तो फिर से 7 1 7 हो जाता, फिर से हमारा रिमाइंडर 0 ही होता। तो मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो आपका कभी भी इस डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही इससे इसके इक्वल हो सकता, ना तो इसके इक्वल हो सकता ना कभी इससे बड़ा हो सकता। अगर इससे बड़ा आ जाता, मान लो यहाँ पे 8 आ जाता रिमाइंडर, फिर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते 7 1 7, हमारा रिमाइंडर तो बचना क्या है डिवाइजर से छोटा ही रहना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे समझा कि जो हमने बी की वैल्यू लेट की थी, बी की वैल्यू हमारी 6 है, बी का मतलब यहाँ पे हमारा डिवाइजर है बी, ठीक है ना। और ये जो है इसकी सॉरी यहाँ पे हमने ना इसी को ए और इसको बी लेट करेंगे, इसको ए और इसको बी, ये बी है हमारा और ये इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे जो कोशेंट की मल्टीप्लाई है वो हमेशा डिवाइजर से ही होती है। तो हमारा डिवाइजर कितना लेट कर रखा हमने 6, क्यू के साथ वाला, क्यू के साथ वाला, ये रख क्यू के साथ वाला हमारा डिवाइजर 6 है। तो जो रिमाइंडर होगा आपका वो क्या होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते रहते हैं, किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, रिमाइंडर की, रिमाइंडर की वैल्यू पुट करो पहले तो आर, यहाँ से पुट करो आर की वैल्यू 0 पुट करो पहले। ए इज इक्वल टू बी कितना है हमारा 6 है, प्लस आर की वैल्यू 0 पुट की तो पहली जो इक्वेशन आई ए की वैल्यू क्या आई 6q आई। दूसरी बार दूसरे में हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6q प्लस 1 आएगी, जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6q प्लस 2 आएगी, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे
ए की वैल्यू आपकी 6q+3 आएगी, आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे ए की वैल्यू 6q+4 आएगी, आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 6q+5 आएगी। ठीक है, ये हमारी क्या आएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब 5 तक पुट कर लिया, 5 तक रिमाइंडर था, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू आपको ओड दिख रही है, कौन सी वैल्यू आपको इवन दिख रही है। देखो जो फर्स्ट वैल्यू हमारी 6q, 6 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा। समझ में आ रही बात, 6 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर को क्यू, मतलब क्यू कोई भी क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उसको किसी भी मतलब डिजिट से, 6 को किसी भी डिजिट से आप लोग मल्टीप्लाई करो तो आपका इवन ही आता है। तो जो ये नंबर है किस फॉर्म का है, आपका इवन फॉर्म का। दूसरा, अब ये इवन थी, ये हमने इवन प्रूफ किया ना यहाँ पे, तो इवन में अगर एक वन ऐड कर दो, इवन नंबर में वन, जैसे इवन नंबर टू है, टू में वन ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ओड नंबर नहीं आएगा। तो ये किस फॉर्म का है, ओड फॉर्म का है। अगर इवन में टू ऐड करोगे तो वो इवन ही रहता है, इवन में ओड ऐड करोगे तो ओड बन जाता है, इवन में ओड इवन ऐड करोगे तो ये इवन, और इसमें ओड ऐड करोगे तो ये ओड। अब देखो जो इसने हमसे पूछा था कि ये किस फॉर्म के होते हैं, ओड इंटीजर फॉर्म के होते हैं, तो देखो 6q+1 कहाँ है, ये रहा ओड फॉर्म का है ना, 6q+3 देखो ओड फॉर्म का है ना, 6q+5 क्या है, ओड फॉर्म का है। तो ये हमने प्रूव कर दिया सीधी सी बात, ठीक है ना, ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्मी कंटिंगमेंट ऑफ 16 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक परेड में मतलब जो आर्मी है वो अपने मतलब मार्च करना चाहती है, परेड करना चाहती है, ठीक है ना, और परेड है वो लाइनों बना के रोज में होगी, ठीक है ना, उनको रो बनानी पड़ेगी। अब रो किस तरह, या फिर कॉलम जैसे भी है, रोज एंड कॉलम मतलब रोज आपकी ये लाइनें होती हैं और कॉलम आपके ये, ठीक है ना, फ्रंट से होते हैं। अब कहते हैं द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब दो ग्रुप बनाने हैं उनको, और उनको मार्च किस में करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम, उनके कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, बताओ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, दो चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं आपको, एक तो आपको दिया गया है कि उस टोटल कितने हैं, 616 आर्मी है, जवान है, ठीक है ना, मेंबर है, और 32 बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, और एक आर्मी बैंड का में कितने मेंबर है, 32 मेंबर है। इन में आपको ये बताना है, बताओ दो ग्रुप अगर हम इनके बनाएं तो हमें कितने कितने मतलब कॉलम में कितने कितने मेंबर होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है 1.1। ठीक है, अब देखो इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें क्या करना होता है, जो दो डिजिट हमें दे रखी हैं, ठीक है, ये और ये, इन दोनों का हमें क्या निकाल देना होता है, एचसीएफ। हमें किसने सिखा रखा है, यूक्लिड ने। यूक्लिड क्या कहता है, जो छोटे डिजिट है उसको बाहर रखें, जो बड़ी डिजिट है उसको अंदर रखें। अब इसको डिवाइड करें, 32 बन जा 32, 11 माइनस 2 9, 9 और 2 11, 5 माइनस 3 2, ऊपर से क्या उतारा 6, अब कितने में जा रहा है 32 की टेबल पे, कितने में जा रहा है अभी ये, ठीक है, कितने में जा रहा है ये, 9 पे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, अब कितने में जा रहा है 16 माइनस 8 8 और 8 माइनस 8 0। अब इसको क्या बना लेंगे हम, अब हमारा कंप्लीट हो गया, ऊपर से भी कुछ नहीं बचा, तो इसको हम क्या बना लेंगे, डिवाइजर बना लेंगे, और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड, 8 4 जा 32, तो लास्ट में जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 8, मतलब कितने एक कॉलम में कितने मेंबर रखेंगे हम, 8 मेंबर रखेंगे। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, सेम क्वेश्चन आपका जैसा कि मैंने सेकंड नंबर करवाया था वैसे ही आपका फोर्थ है। फोर्थ में बस थोड़ा सा आपसे अलग पूछा गया, क्या पूछा गया है, कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमना टू शो दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटर। यहाँ पे क्या बताया है कि स्क्वेयर बताना है, उसमें क्या बताया, क्या पूछा था आपसे, ओड इंटीजर, ठीक है ना। तो इसने क्या पूछा है कि शो दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर किस फॉर्म का होगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वेयर करें तो वो किस फॉर्म का होगा, 3m 3m प्लस 1, इस फॉर्म का आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, स्क्वेयर किसी भी पॉजिटिव ओड, सॉरी पॉजिटिव ओड नहीं बोला इसने, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वेयर करोगे तो वो आपको इस फॉर्म का प्रूव करना है कि वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हमारा वही है, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद बी, बी मैंने बताया था क्या लेट करना है आपको, बी 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 जो क्वोशेंट के साथ साथ होता है, ये बात यहाँ के साथ होता है, ये एक प्रकार से क्वोशेंट ही है हमारा, देखियो आगे पता चलेगा आपको, ये थ्री, इसको बी को यही लेट करेंगे हम। फिर आपको पता है आर, आर क्या होता है, इससे हमेशा छोटा आता है, जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, टू से बड़ा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब रिमाइंडर आ गया, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते जाओ, आर की वैल्यू सबसे पहले हमने जीरो पुट की, तो ए इज इक्वल टू बी कितना है, थ्री, थ्री क्यू प्लस जीरो, तो क्या आ गया, थ्री क्यू के टाइप का आ गया ए की वैल्यू। जब हम आर को वन पुट करेंगे तो क्या आएगी, थ्री क्यू प्लस वन आ गया। जब हम आर को टू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू थ्री क्यू प्लस टू आ गई। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास तीन वैल्यू हैं ए की, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ए का मतलब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब उसने क्या कहा था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर करने पर आपको इस तरह की फॉर्म शो करनी है। तो ये देखो, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू, यही आई। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे, जो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम स्केयर कर देंगे, तो ए स्केयर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्केयर, ए स्केयर इज इक्वल टू थ्री का स्केयर, नाइन क्यू का स्केयर, क्यू स्केयर, ठीक है। अब हमें कुछ इस तरह से, इस तरह का हमें प्रूव करना है, तो इस तरह का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से थ्री कॉमन ले लेते हैं, थ्री बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा थ्री क्यू स्केयर। अब इस थ्री क्यू स्केयर को हम यहाँ पे एम लेट कर सकते हैं, कोई भी आप नंबर लेट कर सकते हो यहाँ पे, बट हमसे पूछा इसमें एम गया है तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे इसको। तो जो हमारा फर्स्ट जो था पार्ट, वो हमारा प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का, ओड इंटीजर नहीं सॉरी, किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वेयर करते हैं वो कुछ इस तरह का आता है, इस फॉर्म का आता है, पहला। दूसरा पार्ट में हम दूसरी इक्वेशन पुट यहाँ पे ले लेते हैं, थ्री क्यू प्लस वन, और फिर से वही काम, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वेयर। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूँ मैं। यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, ए इज इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, यहाँ से हमने स्क्वेयर कर दिया बोथ साइड, ए का स्क्वेयर एज इट इज, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर मतलब थ्री क्यू का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब वन का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू इंटू थ्री क्यू प्लस इंटू, ठीक है, थ्री का स्क्वेयर नाइन, नाइन क्यू स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर वन होता है, थ्री टू जै सिक्स क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, पीछे तो एक तो वन प्लस का चाहिए, देखो ये आ गया हमारे पास प्लस वन, और आगे हमें थ्री एम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वन है उसको तो पीछे रख देंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, नाइन क्यू स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स को आगे ले आया, वन वन तो हमें चाहिए ना, वहाँ पे प्रूव करना है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूँगा, हमें आगे बाहर क्या रखना है, थ्री, तो थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा थ्री क्यू स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बचा टू क्यू प्लस वन। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री
एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उससे 3 की मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 करो, तो हमारा क्या आ जाता है, कोई भी इंटीजर का स्क्वेयर। कोई भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, वो कुछ इस फॉर्म का होता है और इस फॉर्म का होता है, यही हमें प्रूव करना था। अगर कुछ और आगे होता तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी थी, उसको भी रख के हम ऐसे स्क्वेयरिंग करते और हमारा वो प्रूव हो जाता, ठीक है। ये था हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन, 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अब करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंज करना। देखो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होता, मतलब दे रखी थी फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर इस फॉर्म का होता है, वो स्क्वेयर करना था हमें, सभी चीजों का स्क्वेयर कर दिया। थर्ड में आपसे क्या पूछेगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म का होता है। अब क्यूब करना है हमें, क्यूब देखो, क्यूब हमें किस फॉर्म का प्रूव करना है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इस फॉर्म का आपको क्यूब प्रूफ करना। तो क्यूब प्रूफ करने के लिए वही काम है हमारा, सबसे पहले लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, a को पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, तो b, b की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इसके साथ वाली। बट अगर हम किसी की भी b की वैल्यू 9 लेट करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या लेना पड़ेगा, रिमाइंडर हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसको 3 लेट करते हैं, एक बार के लिए 3 लेट करके देखो, फिर देखियो आपका आंसर भी ठीक आएगा और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं सहन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्यों का तो जवाब क्या बताएं भी कि क्यों ऐसा है, हमें इस क्वेश्चन को ही ज़्यादा लेंथी ना बना के इसको मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसको बी की वैल्यू क्या कर ली, 3 लेट कर ली। अब देखो 3 से भी आपका आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, बी से छोटा होता है, यहाँ तक होगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है यूक्लिड, यूक्लिड क्या है कि जो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे r की वैल्यू, सबसे पहले r को 0 पुट करेंगे और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, 3 क्यू प्लस 0 क्या होगा, 3 क्यू होगा। a की वैल्यू, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 होगा, और a की r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 क्यू प्लस 2 होगा। यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, ये तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, क्यूब प्रूफ करना है इनका, क्या प्रूफ करना है इनका, क्यूब किस तरह का प्रूफ करना है, इन तरह का, इन तीनों की तरह का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं इनका, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इधर। सबसे पहले पहली इक्वेशन a इज इक्वल टू 3q, अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे, तो a क्यूब इधर से 3q का होल क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब एज इट इज, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 क्यू क्यूब। अब हमें बाहर क्या निकालना है, 9 निकालना है, 9 निकालना है, तो इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता, तो अंदर क्या बचा, 3q क्यूब बच गया। अब इस अंदर वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो कुछ इस तरह का आता है, फर्स्ट। सेकंड में हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, 3q प्लस 1, अभी फिर से क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ये, a प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ये होता है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3a स्क्वेयर मतलब 3q का स्क्वेयर इंटू बी, बी 1 होता है, प्लस 3ab स्क्वेयर 3q और 1 का स्क्वेयर, ऐसे ये खोल देते हैं। अब a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या होता है, 27 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 को स्क्वेयर करेंगे, 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वेयर आ गया ये, प्लस 3 का स्क्वेयर स्क्वायर कुछ नहीं करना, 3 जा 9 क्यू आ गया आपका, ठीक है। अब हमें इसको देख के इसको चेंज करना होता है, अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये 1 आया हुआ है प्लस 1, इसको पीछे रख लेंगे, इसको आगे रख लेंगे और आगे 9m बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को आगे ले आते हैं, 27 क्यू स्क्वेयर प्लस 9 क्यू प्लस 1 को पीछे ले जाते हैं। अब इन तीनों में से फर्स्ट में जो तीन नंबर डिजिट है, इन तीनों में से हम 9 को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिया, 9 3 जा
और 9 1 जा ये आ गया। अभी इस अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कर लोगे, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब लास्ट है आपका इस तरह का प्रूव करना। इस तरह का प्रूव करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी 3 क्यूब प्लस 2 है, दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करो भाई इसका दोनों साइड, सॉरी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² 2 का स्क्वेयर। अब यहाँ से हम इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 9 सॉरी 27, और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का स्क्वेयर 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, q² 3 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और q has been, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 चाहिए हमें, 8 आ गया ना, ये 8 को लास्ट में रखेंगे, बाकी को आगे ले आएंगे। 54 q² + 36 q + 8। अब इसमें से हमें क्या बनाना है, 9m बनाना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 जा, यहाँ पे 3 बच गया, 9 से 6 जा 54 और 9 4 जा 36 + 8। अब इस पूरे को अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, 9, ये m बन गया और प्लस में 8, और जो हमारा लास्ट प्रूव करना था वो भी हमारा प्रूव हो गया। बस ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी 1.1 एक्सरसाइज। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाएंगे 1.2 एक्सरसाइज की, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो थैंक यू।